सिवनी मालवा में दूध में मिलावट सहित अन्य समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अमले को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद खाद्य अधिकारी शिवराज पावक SDM रविशंकर राय ने दूध डेयरियों की जांच की, जहां पर शिकायतकर्ता ने अपने को आ रही समस्याओं के बारे में बताया, तो साथ ही अधिकारियों ने डेयरी संचालक से भी इस पूरे मामले की जानकारी ली। खड़े मत रहो तो फिर डंडे निकाले, निकल जाओ यहाँ से, खड़े मत रहो। मैं दूध वहाँ से कलेक्शन करता हूँ। ठीक है, मेरे को तो ये देखना है कि कौन इस तरह से कर रहा है। सर, मेरा गांव पतलई का गांव है। पतलई में? हाँ, पतलई में कितने जानवर हैं? पतलई में तो कम से कम 300 लीटर दूध होगा। 300 लीटर दूध है, तुम्हारे पास कितना आ रहा है? मैं तो ले रहा हूँ, एक ही टाइम आ रहा हूँ, 100-150 लीटर दूध आ रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ, वहाँ सारे जानवर पुराने हैं कि अभी तो कोई? सर, कई आगे का भी हो जाता, कोई पीछे का भी हो जाता, इसमें आते हैं जानवर। तुम्हारी जानकारी में है कि वहाँ पर कोई एक दो तीन दिन की छठी हुई भैंस है, गाय है? हाँ सर, ऐसा होता है। ऐसे लोग बताते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं बताते हैं, कोई भी नहीं बताते, कोई नहीं आते हैं। कार्रवाई की गई है? SDM सर, सिवनी मालवा को शिकायत मिली थी कि दूध में कुछ मिलावट की जा रही है, दूध का क्रीम और मावा अलग अलग हो रहा है। उसकी मैं सुबह आके चेक किए, जो दूध शिकायतकर्ता लेके आया था और जिस डेयरी से लेके आया था, उन दोनों को चेक किया, राजपूत डेयरी है। तो जो दूध कल का वो लेके गया था उसमें और आज में अंतर था, और जो कल वाले दूध में इन्होंने मावा बनाया, मावा के बाद फिर कुछ क्रीम ऑटोमेटिक दूध से एवोपरेट होके अलग हो गया, तो वो एक जाँच का विषय बना हुआ है उसमें कि ये कैसे हो रहा है। अब इसमें टेक्निकल हैंड से देखा गया तो उसमें समझ में आ रहा है कि इसमें ज़रूर जो नई भैंस रहती है या गाय रहती है, तो वो जो शुरुआती दूध है वो उसके आने की संभावना है, इसके कारण से वो क्रीम तुरंत निकलना शुरू हो जाता है और लंबी लंबी सी वो फटता नहीं है दूध, वो एक स्थिति बन सकती है। दूसरा, जानवर को जो कोई जानवर बीमार रहता है, बीमारी के समय उसको इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, तो उस समय उसके दूध में उसकी क्रीम जल्दी अलग होने की संभावना रहती है। तो उस इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने जांच किया है, सैंपल लिए हैं, दूध का भी सैंपल लिया है और जो मावा बना था उसका भी लिया है, और जो क्रीम अलग हो गई थी उसका भी सैंपल लिया है। हमें प्रथम दृष्टा वो कैसीन लग रही है, कैसीन जो दूध का एक अभिन्न अंग रहता है, वो हमने उसका भी सैंपल लिया हुआ है। आज कितनी दुकान पे कार्रवाई की सर? आज हमने 3-1 दुकानों को चेक किया है, इसमें राजपूत डेयरी, श्रीजीत दूध भंडार और आते जो आने जाने वाले फेरी वाले दूध वाले, इन सब की हमने जांच की है।